बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो वेरी गुड। आई एम लारी बामेर, इंग्लिश टीचर ऑफ IAUI स्कूल डिंगा कैंपस। यस, ग्रेड 7। हम लोग क्या कर रहे थे जी? हम लोग रीडिंग कर रहे थे। हमने बुक स्टार्ट की हुई थी, तो हमने क्या किया, रीडिंग की थी। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक बच्ची है जिसका स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है और उसके पास सारी चीज़ें नहीं हैं, न्यू थिंग्स हैं उसके पास, न्यू बैग, न्यू शूज़, न्यू बुक्स, इवन ईच एंड एवरी थिंग उसके पास जो है वो नहीं है, इंक्लूडिंग हर यूनिफॉर्म एज वेल। तो अब वो क्या चीज़ मिस कर रही है? वो देख रही है कि जो लोग वहाँ पर, जो स्टूडेंट्स पहले से वहाँ पर पढ़ते हैं, वो तो सारे आपस में फ्रेंड्स हैं, तो वो मिस कर रही है कि ये लोग मेरे साथ इतने इन्वॉल्व नहीं हैं, मुझे इतना नहीं बुला रहे, तो वो इस चीज़ को बड़ा फील कर रही है, ठीक है। लेकिन उस वो ज़ाहिर इग्नोर करती है इस चीज़ को, बिकॉज शी इज़ न्यू इन दैट स्कूल। तो क्या होता है फिर, वो उस क्लास में चली जाती है, सीधे क्लास का रास्ता उसको कैसे आता होता है, उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि वो और उसकी मदर जब स्कूल आए थे, टीचर के साथ मीटिंग थी उन लोगों की, तो टीचर ने उनको क्लास में सारे जो है इन आउट सारे उसको पहले से ही बता दिए थे, दैट्स वाई उसको क्लास में जाने पर कोई इशू नहीं होता, वो आराम से क्लास में चली जाती है। क्लास में जाती है तो वो क्या देखती है कि सारा कुछ वेल मैनेज्ड है, लेकिन उसको क्लास में से भी स्मेल आती है। किस चीज़ की स्मेल आती है? नई चीज़ों की। आप लोगों ने भी जब बुक्स नई ली हैं तो उसमें से नई बुक्स की स्मेल आती है ना? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह उसको भी उसी तरह स्मेल आती है न्यू बुक्स की। उसके अलावा उसको क्लास में से इंक की स्मेल आती है, उसके अलावा उसको और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अरेजर की स्मेल आती है, ये चीज़ें हम लोग पहले एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर क्या होता है जी, वो क्लास में जाती है, साथ ही बेल हो जाती है, क्योंकि वो 8:30 हो गए हैं और टाइम हो गया है जी किसका, मॉर्निंग प्रेयर का। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा विजिबल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। होप अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है ना सबको। हाँ जी, तो क्या हुआ है जी, बेल हो गई है और सबका टाइम हो गया है ऑडिटोरियम में जाने का। आप लोग भी असेंबली के लिए आते हैं ना ग्राउंड में, इसी तरह वो लोग भी मॉर्निंग प्रेयर के लिए किधर जाते हैं, ऑडिटोरियम में जाते हैं, और वहाँ पर उनके जो हेडमिस्ट्रेस हैं वो उनको वेलकम कहती हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको, और जो बच्चे पुराने हैं जो पहले से वहाँ पर पढ़ते हैं उनको भी वेलकम कहती हैं, क्योंकि वो भी स्कूल में ज़ाहिर नहीं है। आप लोग भी जब नई क्लासेस में जाते हैं तो आप लोगों के लिए भी तो नया ही होता है ना, आपकी क्लास इंचार्ज चेंज होती हैं, उसके अलावा आपके क्लास रूम्स चेंज होते हैं, इसी तरह वो भी उनको वेलकम कह रही हैं, और वो उनको बताती हैं कि यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल्स फॉर ईच अदर्स, ठीक है। ओके जी, हमने एक रिमाइंड कर ली सारी स्टोरी, अब हम लोग आगे से रीड आउट करते हैं जी। वी वॉज यहाँ पे एंड किया था ना बिफोर अस, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। वी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखें ज़रा। वी वॉक बैक टू अवर क्लास रूम द सेम वे वी हैड कम, क्वाइट ऑर्डरली एंड एक्सपेक्ट फॉर अ फ्यू विस्पर्ड एक्सचेंजिंग्स, क्वाइट साइलेंट, बट नो सूनर वर वी बैक इन अवर क्लास रूम देन द गर्ल्स वर इन ईच अदर लैब्स, आर्म्स रैप्ड अराउंड नेक। After peeping over my shoulder left and right, I sat down in my seat and wondered what would become of me as soon as Miss Sharma walked in. हाँ जी, टीचर का क्या नाम है? Miss Sharma. We came to order and stood up stiffly at our desk. When she had seated herself, she said to us, "You may sit down." आप लोग भी जब टीचर क्लास में आता है तो आप लोग भी खड़े होते हैं ना, उनको सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसी तरह वो भी जब आई हैं क्लास में तो क्लास ने उनको ग्रीट किया है, तो उन्होंने कहा है जी आप लोग बैठें, एंड वी डिड, और वो साथ ही बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है जी, शी ओपन द रोल बुक, आप लोगों की भी तो फर्स्ट लेक्चर में अटेंडेंस लगती है ना, इसी तरह वो भी अटेंडेंस लगा रही हैं। शी ओपन द रोल बुक And as she called out our names, each of us answered, "Present, Miss." As she called out our names, she kept her head bent over the book. But when she called out my name, I answered without any customary response. She looked up and smiled at me and said, "Welcome, Annie."
तो जब सबकी अटेंडेंस लग रही है तो वो एनी की भी अटेंडेंस लगी है, और जब उनका नाम उन्होंने बोला है उनकी टीचर ने, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऊपर देखा, एनी ने जब प्रेजेंट बोला है तो फिर क्या हुआ है, उनकी टीचर ने ऊपर देखा है, ऊपर देख के स्माइल किया है और एनी को क्लास में, न्यू क्लास में, न्यू स्कूल में वेलकम बोला है। अब यहाँ से भी आप लोगों ने इनके जो सिनोनिम्स हैं वो अपनी नोट बुक्स के ऊपर लेड पेंसिल के साथ लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।